हेलो गाइस, आज हम ऑनलाइन कंपोनेंट्स कैसे खरीदें का सेकंड एपिसोड लेकर आया हूं। तो आज हम सेकंड एपिसोड में पता करेंगे कि आरएस कंपोनेंट से हम कैसे, आरएस कंपोनेंट्स साइड है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये मैंने ओपन की है तो यहाँ पे ये लिखा है आरएस कंपोनेंट्स के। यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के को क्लिक करने पे आपको यहाँ पे इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं वो सब यहाँ पे शो करेगा। तो इस चलते हैं प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, पावर, पावर कनेक्टर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन केबल, मैकेनिकल प्रोडक्ट एंड टूल्स, आईटी, टेस्ट, सेफ्टी इक्विपमेंट एंड ब्रांड कौन कौन सी है एंड न्यू इन जो भी नया कुछ आएगा। तो इन सब कंपोनेंट्स को लेने के लिए ये इंडियन साइड है और यहाँ पे आपको अकाउंट खोलना होगा। अकाउंट खोलने के बाद आपको जो भी दो ऑप्शन है यहाँ पे, या इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इंक्लूडिंग हो जाएगा और इधर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सक्लूडिंग जीएसटी हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ प्राइस, आपको वहाँ पे जब टोटल जो भी कंपोनेंट्स आप बाय करेंगे वहाँ पे वो शो करेगा। तो यहाँ पे प्राइस दिखा देगा आपका, ये यहाँ पे ये पार्ट लिस्ट है और यहाँ पे आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा अपना। यहाँ पे अगर करते हैं तो आप यहाँ लॉगिन, यहाँ पे रजिस्टर करके अपना लॉगिन बनाना होगा, राइट। ये सब कंपोनेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे ये इंडियन साइड है और इससे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं। अगर आपको यह अच्छा लगता है यहाँ पे इसमें सर्च करके तो आप इसको कंपोनेंट्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये मैंने आरएस कंपोनेंट से परचेज की है तो थोड़ा मुझे आइडिया है, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ से ले सकते हैं। कि मेरा इसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को कुछ से फायदा हो रहा है या हो रहा, बस ये है कि मेरे को ये लगता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती। तो शायद इस वीडियो को देख करके आपको कैसे कंपोनेंट्स हम ले सकते हैं आरएस वेबसाइट से, तो आप यहाँ से इजिली, इंडियन साइड है तो आप आराम से खरीद सकते हैं और प्राइस भी ठीक ठीक है जो आपको इजिली अवेलेबल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मैकेनिकल जो भी आपको इस पे अवेलेबिलिटी होगी। ओके, थैंक्स। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वो शेयर करें एंड किसी और किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसको शेयर कर प्लीज। थैंक यू।